हेलो फ्रेंड्स, माय सेल्फ एजे। आज हम देखने वाला हमारा नेक्स्ट टॉपिक दैट इज एन टाइप ऑफ सिस्टम आर्किटेक्ट। इसके अंदर हम देखेंगे फोर टाइप्स के, कौन से फोर टाइप्स हमारे सिस्टम आर्किटेक्चर के अंदर डिफाइन किए। जस्ट लाइक आप सभी उससे फैमिलियर होंगे आई नो दैट, लेकिन आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन है एक्चुअल में एक फोर आर्किटेक्चर के टाइप को से। तो सॉल्व कर देते हैं। सिंगल टाइप आर्किटेक्चर, टू टायर आर्किटेक्चर, थ्री टायर आर्किटेक्चर एंड लास्ट है मल्टी टायर आर्किटेक्चर। ये फोर टाइप्स ऑफ आर्किटेक्चर के टायर्स हमें यहाँ पे देखने। सो लेट्स बिगिन, स्टार्ट करते हैं कि क्या क्या है हर एक आर्किटेक्चर के अंदर में विथ डायग्राम। इसकी डायग्राम थ्रू हम देखेंगे एक्सप्लेनेशन क्या होने वाला है। तो फर्स्ट इज देन सिंगल टायर आर्किटेक्चर। इन अ सिंगल टायर आर्किटेक्चर क्या कौन से एप्लीकेशन कवर होंगे? तो जैसे लाइक कि सम एप्लीकेशन आर रिटर्न टू रन ऑन अ सिंगल कंप्यूटर, कि जो सिंगल कंप्यूटर के ऊपर रन होते वैसे जो भी एप्लीकेशन है दैट इज एन अ सिंगल टायर आर्किटेक्चर यूज करके क्रिएट किए गए होते हैं। सो उसके लिए तो हम जो लास्ट वीडियो है, लास्ट सेशन है, उसको रिकॉल करेंगे जैसे आर्किटेक्चर के अंदर क्या कंसेप्ट था कि थ्री टाइप्स ऑफ एलिमेंट है, इनपुट, डेटा प्रोसेसिंग एंड आउटपुट इन द सेम डेटाबेस। तो इसी सेम प्रोसेस से हमें क्या करेंगे, जितने भी आर्किटेक्चर है यहाँ पे कंसिडर करने वाले। सो फॉर एन इनपुट के लिए सेम सिस्टम के अंदर होने वाला है, डेटा प्रोसेस भी सेम सिस्टम के अंदर होने वाला है एंड जो आउटपुट है वो उसी सिस्टम के अंदर स्टोर होने वाला है, दैट इज एन सिंगल कंप्यूटर। सिंपल इसका एक डायग्राम है, डायग्राम देखते हैं। सो डायग्राम देखो, जैसा कि यूजर इंटरफेस, परसिस्टेंट फाइल डेटाबेस एंड बिजनेस रूल, तीनों भी चीजें एक ही जगह पे एग्जिस्टिंग कर रही है, दैट इज एन सिंगल टायर आर्किटेक्चर सिंपल। ओके, सो यहाँ पे तीन लेयर है, जैसे लाइक फर्स्ट इज अ यूजर इंटरफेस फॉर एन वेब एप्लीकेशन और प्रेजेंटेशन लेयर, देन सेकेंड इज एन मिडलवेयर दैट इज एन बिजनेस रूल, जो भी लॉजिक हमें इसके अंदर इम्प्लीमेंट करना है, एप्लीकेशन लॉजिक होगा, बिजनेस लॉजिक होगा, तो ये बिजनेस रूल के अंदर हम क्या करेंगे उसको एग्जीक्यूट करेंगे। एंड थर्ड इज एन डेटा एक्सेस लेयर, के इन अ डेटा एक्सेस लेयर जो भी नंबर्स ऑफ फाइल्स हमें एक्सेस करने होंगे या डेटाबेस के अंदर डेटा स्टोर करना होगा, तो ये सारी चीजें हम हमारे डेटाबेस के अंदर करने वाले। तो सिंपली इसके अंदर एक एडवांटेज और एक डिसएडवांटेज है, जैसे कि स्मॉल साइज है सो इट इज द सिंपलेस्ट एंड लीस एक्सपेंसिव अल्टरनेटिव, कि सिंपल है, शॉर्ट में एक ही सिस्टम के लिए तो ये समझने के लिए भी अंडरस्टैंड है। लेक्स इक्विपमेंट परचेज के लिए हमें करना पड़ेगा, ये भी एडवांटेज है एंड इजी टू मेंटेन। ओके, ये कुछ एडवांटेज है। साइमल्टेनियसली कुछ डिसएडवांटेज भी इसके, जस्ट लाइक सिक्योरिटी कम होगी, लैक ऑफ स्केलेबिलिटी, इसको हम ज्यादा एक्सपांड नहीं कर सकते क्योंकि सिंगल टायर है, सिंगल सिस्टम है, तो इसको ज्यादा स्केलेबल भी नहीं कर सकते। एंड अकॉर्डिंग टू दैट जो भी डेटा होगा, डेवलपर होगा, वो स्पेसिफिकली एक ही सिस्टम के ऊपर वर्क नहीं करेगा, तो इसके अंदर अपडेशन की भी वैरायटीज कम ही होने वाली है, तो दैट इज एन सिंगल टायर आर्किटेक्चर। देन नेक्स्ट सेकेंड है हमारे पास, दैट इज एन टू टायर आर्किटेक्चर। इट कंसिस्ट और इट डिवाइड टू कंपोनेंट, लाइक क्लाइंट एंड सर्वर, कि क्लाइंट एंड सर्वर किस तरह से कम्युनिकेशन करने वाले हैं, जैसे लाइक कि क्लाइंट इम्प्लीमेंट द यूजर इंटरफेस एंड कंटेन अ बिजनेस लॉजिक एंड सर्वर हैज टू स्टोर अ डेटा और एक्सेस एनी बिजनेस डेटा इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ सर्वर, कि जैसे लाइक क्लाइंट क्या करेगा यहाँ पे डेटा प्रोसेस करने के लिए, बिजनेस रूल जो भी होगी अप्लाई करने के लिए हम वहाँ पे वेब सर्वर यूज करेंगे। वेब सर्वर इन द सेंस यूजर इंटरफेस, बिजनेस रूल यूज करेंगे एंड डेटाबेस सर्वर फॉर परसिस्टेंट डेटा एक्सेस, कि जो भी हमें डेटा एक्सेस के लिए देना होगा, डेटा स्टोर करना होगा, तो ये सारी चीजें हमारे डेटाबेस के अंदर होने वाली, दैट इज एन सर्वर। तो देन नेक्स्ट इसके अंदर कुछ सेम थोड़े से एडवांटेज डिसएडवांटेज है, दैट इज एन एडिशनल सिक्योरिटी बाय रिमूविंग अ सेंसिटिव डेटा कस्टमर डेटा इन अ सिंगल कंप्यूटर। ओके, सिंगल कंप्यूटर के ऊपर क्या था, डेटा सेंसिटिव डेटा उसी सिस्टम के ऊपर स्टोर होता था, तो थोड़ा सा सिक्योरिटी का इशू था, लेकिन यहाँ पे डेटा कहाँ पे स्टोर हो रहा है, हमारे सर्वर साइड के ऊपर, तो ऑटोमेटिकली जो डेटा सिक्योरिटी होगी यहाँ पे इंक्रीज होने वाली है।
एंड ऑब्वियसली एक ही सिस्टम के ऊपर डेटा होगा तो उसका जो परफॉर्मेंस है उसके ऊपर अफेक्ट हो सकता है। देन देयर फॉर यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा सर्वर के ऊपर डेटा स्टोर हो रहा है, देन उसकी वजह से जो भी डेटा स्टोर सर्वर के ऊपर है तो ऑटोमेटिकली जो परफॉर्मेंस होगा क्लाइंट का यहाँ पे इंक्रीज होने वाला है। देन ओके, कुछ चीजें इंक्रीज हो रही है तो कुछ एडवांटेज भी यहाँ पे इंक्रीज होने वाले, जस्ट लाइक जो कॉस्ट एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ योर प्रोग्राम, योर प्रोग्राम की जो कॉम्प्लेक्सिटी होगी एंड कॉस्ट होगी यहाँ पे इंक्रीज होने वाली है। देन हम नेक्स्ट वाला देखते हैं, दैट इज एन थ्री टायर आर्किटेक्चर। इन अ थ्री टायर आर्किटेक्चर सेम तीन डिफरेंट लेयर्स यहाँ पे हम देखेंगे, और जैसे लाइक फर्स्ट वाले में थ्री डिफरेंट इलेमेंट थे, वही थ्री इलेमेंट को हम कंसिडर करके थ्री डिफरेंट लेयर, फर्स्ट इज एन यूजर सर्विस, बिजनेस सर्विस एंड डेटा सर्विस, ये तीन डिफरेंट कंपोनेंट या थ्री डिफरेंट लेयर्स यहाँ पे हम एज अ सर्विस कंसिडर करेंगे। तो यूजर सर्विस के अंदर क्या होगा, जस्ट लाइक प्रेजेंटेशन लेयर, बिजनेस सर्विस इन द सेंस बिजनेस लेयर एंड डेटा सर्विस इज एन डेटा लेयर, ये सेम जो हमारा यूजर इन द सेंस जो रिक्वेस्ट सेंड करेगा, बिजनेस सर्विस इन द सेंस जो डेटा प्रोसेस करेगा एंड डेटा सर्विस इन द सेंस डेटा स्टोर करेगा, इस सेम एज जो तीन एलिमेंट देखे थे तो उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे थ्री टायर्स आर्किटेक्चर हमने डिजाइन किया। तो जैसे लाइक उसका एक ओवरव्यू देखते हैं विद एन डायग्राम। एक डोमेन है हमारे पास, सॉरी एक यूजर इंटरफेस है वाया डोमेन सर्वर से कनेक्टेड है, तो कॉमर्स सर्वर के पास हमारे पास बिजनेस रूल्स है एंड डेटाबेस सर्वर के अंदर जो भी डेटा हमारे स्टोर करना है वो स्टोर करना है। ओके, सिंपल थ्री टायर आर्किटेक्चर, थ्री डिफरेंट थिंग्स अपने तीन डिफरेंट सर्विस के अंदर या डोमेन के अंदर, डेटाबेस के अंदर, सर्वर के अंदर स्टोर कर दी, ओके इंप्लीमेंट कर दी, दैट इज एन थ्री टायर आर्किटेक्चर। ओके, अभी और कॉम्प्लेक्सिटी कब बढ़ेगी, जस्ट लाइक कि नेक्स्ट हमारा जो मल्टी टायर उसके अंदर और कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ने वाली है, जस्ट लाइक कि नंबर्स ऑफ डिफरेंट वैरायटी ऑफ फंक्शन इफ हमें इंप्लीमेंट करना होगा। ओके, यहाँ पे हमने थ्री फंक्शन देखे, बट थोड़ा सा एज पर टेक्नोलॉजी ग्रोथ हो रहा है तो उसके अकॉर्डिंगली नंबर्स ऑफ सर्विस इंक्रीज हो रहे हैं, नंबर्स ऑफ फंक्शनलिटी इंक्रीज हो रहा है। सो इन अ मल्टी टायर आर्किटेक्चर हमने क्या किया कि डिफरेंट काइंड ऑफ सर्विसेस यहाँ पे हमने कंसिडर किए कि डिफरेंट फंक्शनैलिटी के अकॉर्डिंगली कौन कौन से डिफरेंट लेयर्स यहाँ पे आ सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली एक हमने मल्टी टायर आर्किटेक्चर यहाँ पे डिजाइन किया। तो देखते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग टू डिफरेंट लॉजिक, एप्लीकेशन के लॉजिक के अकॉर्डिंग डिफरेंट लेयर डिफरेंट टायर्स हम यहाँ पे डिफाइन करने वाले। सो फर्स्ट इज एन यूजर इंटरफेस टायर। ओके, यूजर इंटरफेस इन द सिंपली जो हैंडल करेगा या यूजर इंटरेक्शन प्रोवाइड करेगा, दैट इज एन यूजर इंटरफेस टायर। इट कुड बी अ वेबसाइट, वेबसाइट हो सकता है, वेब पेज हो सकता है, या कस्टमर की स्क्रीन के या क्लाइंट स्क्रीन, दैट इज एन यूजर इंटरफेस। सेकेंड इज एन प्रेजेंटेशन टायर। ओके, अभी कौन कौन सा इंफॉर्मेशन हमें प्रेजेंट करना है, इन द सेंस विच टाइप ऑफ डेटा हमें रिप्रेजेंट करना है, उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है या सिस्टम के अंदर क्या क्या रिक्वायरमेंट होने वाले की। जैसे लाइक आपने कभी एक स्पेसिफिक वेबसाइट को विजिट किया होगा तो इन द सेंस गवर्नमेंट वेबसाइट के अंदर आपको ये दिखाई देगा, जैसे कि उसके लिए हमें प्री डिफाइन बताया जाता है कि स्पेसिफिकली इफ आपका कोई ब्राउजर का वर्जन ओल्ड वाला होगा तो प्लीज अपडेट दैट फॉर एंड प्रॉपर फंक्शनलिटी और स्पेसिफिक जो लुक एंड फील होगा या वेब पेज के लिए। तो हमें क्या करना पड़ता है, उस वेबसाइट के लिए हमारा जो ब्राउजर की रिक्वायरमेंट होगी उसको चेंज करना पड़ता है। ओके, ब्राउजर की जो भी वर्जन होगा उसको चेंज करना पड़ता है, अपग्रेड करना पड़ता है। ओके, इसे कभी चीज देखिए, दैट इज डन बाय एंड प्रेजेंटेशन लेयर। ओके, देन नेक्स्ट इज देन अ बिजनेस टायर। बिजनेस टायर इन द सेंस जो बिजनेस का लॉजिक होगा, ब्रेन ऑफ एन यूअर एप्लीकेशन या वेब सर्विसेज, एक कौन होने वाला है हमारा बिजनेस टायर, कि जो भी लॉजिक हम बिल्ड करेंगे एनीथिंग। ओके, इन द सेंस 2+2 के प्लस का जो लॉजिक करना है, ए और बी के जो एडिशन का करना होगा, ये जो लॉजिक होगा कौन हमें देने वाला है, हमारा बिजनेस टायर। ओके, सो इट कुड बी डिजाइन इन HTML, SQL, CSS, कोई भी फॉर्म में हम इसको डिजाइन कर सकते। देन नेक्स्ट इज एन इंफ्रास्ट्रक्चर टायर। इन अ इंफ्रास्ट्रक्चर टायर इट प्रोवाइड एडिशनल फंक्शनलिटी
are required by the application component. It's just like according to different architecture or application component, कोई भी additional functionality हमें provide करनी होगी. Just like messaging होगा, transaction होगा, या logging हो सकता है. कोई भी different additional features हमें इसके अंदर add करना होगा. That is the infrastructure tier of functionality यहाँ पे क्या करने वाला है, provide करने वाला है. Then last is an data tier. उसके अकॉर्डिंगली वहां पे ट्रांसफर करेगा. देन लास्ट इज एन डेटा टायर, ये क्या होगा, एक्चुअल जो डेटाबेस होगा जहां पे डेटा स्टोर होने वाला है उसको हम क्या बोलेंगे, हमारा डेटा टायर. देन उसका डायग्राम देखते हैं. दैट इज डायग्राम सिंपल है, सेम यूजर इंटरफेस के तीन जो बताए थे उसके अकॉर्डिंगली, तीन एलिमेंट के अकॉर्डिंगली थ्री टाइप्स है. फर्स्ट यूजर इंटरफेस के, देन ब्राउजर वगैरह, देन सेकेंड इज अ बिजनेस लॉजिक, उसके अंदर क्या है, बिजनेस टायर, प्रेजेंटेशन टायर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस. देन थर्ड था हमारा डेटाबेस डेटा लेयर, दैट इज डेटा एक्सेस टायर एंड डेटा टायर. कि सेम जो तीन एलिमेंट्स थे आपने कंसिडर किए उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे डिफरेंट कैटेगरीज हमने किए. ओके, अकॉर्डिंग टू डिफरेंट फंक्शनलिटी ऑल बी डिफरेंट यहाँ पे टायर्स हम क्या कर सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं. के फिलहाल के लिए इतना ही. आपको कोई भी डाउट होगा इस पूरे कंसेप्ट के अंदर, सिंगल टायर, टू टायर, थ्री टायर, मल्टी टायर, इफ एनी डाउट, एनी क्वेरी, एनी सजेशन, प्लीज आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो. इफ ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा तो इसको लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो एंड सिमिलर टाइप्स वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो. ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग.